चाहिए गाजर। अब हम इसको गाजर को दूध के अंदर ऐड करेंगे। और हमने इसको थोड़ी सी तेज आंच के ऊपर जो है ना सुखाना शुरू कर दिया। इसको कितनी देर तक पकाना है मिस्टर सफदर? इसको गैस कम आ रहा है इसलिए हमने सप्लाई चलाई हुई है, उसकी वजह से आंच थोड़ी ज़्यादा हुई है। इसे कम से कम आधा घंटा चलाना है और हर दो चार मिनट बाद इसके अंदर जो है ना चमचा मारते रहना है ताकि नीचे से काला ना हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चीनी। 7 किलो गाजर के अंदर 1 किलो चीनी जो है ऐड कर सकते हैं। चीनी हम दूध के अंदर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन बाद में भी ऐड हो सकती है जब थोड़ा बहुत दूध सूख जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया गैस की प्रॉब्लम होने की वजह से हम दरमियान में चीनी ऐड कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम गैस ठीक आने लग गया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसको आधा घंटा तकरीबन पकाना है। चीनी इसके अंदर मैं ऐड कर चुका हूँ। अब मैं इसके दूध को खुशक कर रहा हूँ और हर 2-4 मिनट बाद चमचा मारते रहना है ताकि ये नीचे से ब्लैक ना हो जाए, लग ना जाए। ये पैन के अंदर हम थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। आप इसके अंदर 6 से 7 अंडे ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह फेंट लें इन लोगों। मक्खन देसी घी के अंदर हमने अंडे डाल के तैयार कर लिए हैं। जैसे ही हमारा हलवा खुशक हो जाएगा हम इसको फ्राई करके इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर मक्खन ऐड करने लगे हैं। जी अब हम जो है ना इसके अंदर मक्खन और अंडा जो हमने फ्राई किया था वो ऐड करने लगे हैं। दो से 4 मिनट भुनाई करेंगे अच्छे से और उसके बाद हमारा हलवा तैयार है। हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है, बस हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है।